हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा तीसरा वीडियो है और ये मैं बनाने जा रहा हूँ आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे। काफ़ी सारे क्वेश्चन जम्मू एंड कश्मीर पे पूछे जाते हैं, जो आयोग द्वारा एग्ज़ाम लिया जाता है, UPSC या जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। तो उसमें मैंने जो भी ये वीडियो है, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करने की कोशिश किया हूँ। मैं सारा वीडियो कम से कम टाइम में रखूँगा और देखिएगा आप कि सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे। बस आप एक बार एग्ज़ाम होने से पहले मैं बना रहा हूँ, और UPSC में तो पहले मैं लगभग 5 जो है वीडियो बना के दिखाऊंगा, और उसमें से आप देखिएगा कि लगभग 5 से 7 क्वेश्चन वहीं से आए हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इसे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और फिर चलिए लेट्स बिगिन। क्या तो देखिए, जो जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया है वो अनुच्छेद 370 दिया गया है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 370 में जो है जम्मू कश्मीर को स्पेशल जो है प्रिविलेज दिया गया है, और इसमें न्यूज़ में भी है 37A आप सुन रहे होंगे, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे, वो 3-4 मिनट में ही कवर हो जाएगा। चलिए क्या हुआ था, चलिए बताते हैं। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब भारत आज़ाद हुआ था, तो इंडिया कंस्टिट्यूटेड ऑफ 552 प्रिंसिपल स्टेट। तो इंडिया जो था वो लगभग कंस्टिट्यूट करता था 552 स्टेट को, और इंडिया जो था वो इंडिपेंडेंस 1947 के टाइम उसे 3 चॉइस दिया गया था। जितने भी जो प्रिंसिपल स्टेट थे उनको 3 तरह की चॉइस दिया गया था। चलिए इसे बोलते हैं, एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस इंडिया कंसिस्टेड ऑफ 552 प्रिंसिपल स्टेट। इंडिया इंडिपेंडेंस 1947 देयर आर 3 चॉइस गिवन टू द प्रिंसिपल स्टेट। तो वो 3 चॉइस क्या क्या दिया गया था। पहला चॉइस था कि या तो आप भारत के साथ मर्ज हो जाइए, तब विलय कर दीजिए, या तो आइदर मर्ज विथ पाकिस्तान, या तो पाकिस्तान के साथ मर्ज हो जाइए, या तो आप खुद जो है स्वतंत्र हो जाइए, इंडिपेंडेंट। तो उसमें से क्या हुआ कि 552 में से 549 जो है वो एग्रीड हो गए, और 3 बाद में एग्री हुए भारत के साथ आने के लिए। और जो 3 बाद में एग्री हुए उसमें कौन कौन से थे, वो एक जूनागढ़ था, ठीक है, एक हैदराबाद था, और तीसरा जम्मू कश्मीर था। तो जूनागढ़ जो था वो रेफरेंडम के साथ हुआ था। उसमें कहानी ये है कि रेफरेंडम हुआ था तो उसमें वोट जो है काफ़ी ज़्यादा पड़ गए थे, वहाँ की जनसंख्या से भी ज़्यादा पड़ गए थे, लेकिन खैर वो छोड़िए, वो अलग सी बात है। और हैदराबाद को जो है जो काफ़ी रिच स्टेट हुआ करता था, तो वहाँ के जो निज़ाम थे वो नहीं चाहते थे विलय के लिए। तो उस समय जो है तत्कालीन जो है उप प्रधानमंत्री, या यूँ कहिए कि देश को बनाने वाले महान लीडर पटेल जी ने जो है इसको हैदराबाद को मिलिट्री पावर के थ्रू ले लिया था। और जम्मू कश्मीर में जो राजा रंजीत सिंह थे, उन्होंने जो है लेटर ऑफ इंस्ट्रूमेंट साइन किया जब उनकी तरफ पाकिस्तान ने हमला कर दिया, तो उसके हिसाब से 1947 में उसको किया गया था। तो जब लेटर ऑफ इंस्ट्रूमेंट साइन किया गया, तो उसमें इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या था, उसमें ये साइन जो हुआ वो 26 अक्टूबर 1947 को हुआ। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन 26 अक्टूबर 1947, महाराजा हरी सिंह, नॉट रंजीत सिंह, हरी सिंह जो थे उसमें महाराजा थे, और इंस्ट्रूमेंट जो है साइन हुआ इंडिया उसका काउंटर पार्ट था 1947 में। जो एसेसन में जो 3 चीज़ें थी वो एक डिफेंस थी, डिफेंस के बारे में बात हुआ, एक कम्युनिकेशन, और फॉरेन पॉलिसी जो है ये भारत करेगा। बाकी उनको स्पेशल प्रिविलेज दिया गया जम्मू कश्मीर को, वो ये था कि जम्मू कश्मीर हैज़ अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन विच हैज़ बाई कैमरल लेजिस्लेचर। तो जम्मू कश्मीर के पास जो रहेगा वो सेंट्रल मतलब उसका उनका एक अपना ही अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा, और जो कि वो बाई कैमरल होगा, मतलब वहाँ पर विधानसभा भी होगा और विधान परिषद भी होगा, और वो लेजिस्लेचर का जो टेन्योर होगा, ऐसे तो हमारे यहाँ इंडिया में 5 साल होता है, लेकिन वहाँ पे 6 साल होगा, ठीक है। फिर तीसरा दिया गया, पार्लियामेंट कैन नॉट एक्ट यूनियन एंड मिनी कंकरेंट मैटर, हाउएवर द स्टेट एंड रेसिडरी लिस्ट इज विथ द स्टेट लेजिस्लेचर। और उसके बाद फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो मतलब जो आर्टिकल नंबर 360 है वो जम्मू एंड कश्मीर के साथ नहीं इम्पोज किया जाएगा। फिर करेंसी जो है वो इंडिया की चलेगी, रुपी चलेगी वहाँ पे। और इसके बाद इफ़ द इमरजेंसी कैन बी प्रपोज क्लेम्स वंस, स्टेट लेजिस्लेचर मस्ट
हैव वेरीफाइड। अगर मान लीजिए वहाँ पे इमरजेंसी लगाई की भी गई तो वहाँ के जो विधान परिषद हैं और विधानसभा है उनको जो है वेरीफाइड करना पड़ेगा। और पार्ट थर्ड जो है कम्प्लीटली अप्लीकेबल फॉर राइट टू प्रॉपर्टी, बट पार्ट फोर्थ एंड पार्ट फोर्थ ए इज नॉट अप्लीकेबल फॉर कश्मीर। तो पार्ट थ्री जो है वो अप्लीकेबल होगा राइट टू प्रॉपर्टी, बट जो चौथा पार्ट फोर और पार्ट ए है वो नहीं अप्लीकेबल होगा। पार्ट थ्री में कश्मीर जो है आर्टिकल थ्री जो है वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया ये माना जाएगा। ये कुछ जो है विशेष जो है कट कॉपी पेस्ट है रश्मिकांत का, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जम्मू कश्मीर की उन्होंने मैंने बता दिया। और अगर आपको ये चैनल पसंद लगे तो कट कॉपी मतलब जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें।